ब्लूटूथ आपके डिवाइस मैनेजर में शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सारे स्कैन फॉर चेंजेस भी कर रहा हूँ और सारे डिवाइसेस में वन बाय वन चेक कर रहा हूँ, लेकिन जो ब्लूटूथ का ड्राइवर है ये यहाँ पे मिसिंग है, जिसकी की वजह से आप किसी भी वायरलेस डिवाइसेस जो कि ब्लूटूथ वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, आपका हेडफोन, ये आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो विंडोज सेटिंग्स में जाकर मैं डिवाइस में जा रहा हूँ और यहाँ पे ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस में जाने के बाद मैं जब ऐड ब्लूटूथ और उसके बाद फिर से ब्लूटूथ क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुड नॉट कनेक्ट का मैसेज आ रहा है। मतलब आपकी अपने वायरलेस कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, इनको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ब्लूटूथ यहाँ पे काम आपका नहीं कर रहा है। और जब आप गेट मोर हेल्प में क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप सेटिंग्स में जाएं, स्टार्ट में क्लिक करें, फिर से सेटिंग्स में जाएं, डिवाइस में जाएं और इसके बाद ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस में जाके ब्लूटूथ को टर्न ऑन कर लें। ऑन करने के लिए बोला जा रहा है ब्लूटूथ को कि शायद टर्न ऑन नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टर्न ऑन एंड ऑफ का मैसेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। और जब मैं यहाँ पे ऐड ब्लूटूथ पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर से ब्लूटूथ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे कुड नॉट कनेक्ट का मैसेज आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे मेरा जो ब्लूटूथ है वो काम नहीं कर रहा। सो इसके लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जा सकते हैं, डिवाइस मैनेजर। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि येलो एक्सप्लेनेशन मार्क्स है, तो एक्सप्लेनेशन मार्क्स का यहाँ पे ये है कि ड्राइवर मिसिंग है, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डिवाइस मैनेजर में जाके चेक करें कि कहीं आपके डिवाइस मैनेजर में एक्सप्लेनेशन मार्क्स का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ड्राइवर मिसिंग है। तो यहाँ पे आपको रन में जाना है और DXDIAG टाइप करना है ताकि आप अपने ब्लूटूथ ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकें। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सिस्टम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मेरा सिस्टम है वो है डेल का और यहाँ पे जो सिस्टम का मॉडल है वो है लैटिट्यूड E6430S। तो ये आपको पता कर लेना है कि आपका सिस्टम का मॉडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैन्युफैक्चर क्या है। तो मैन्युफैक्चर यहाँ पे डेल हो सकता है, आपका HP हो सकता है, HCL हो सकता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लिया मैंने और मैंने गूगल पे जाके सेम यहाँ पे टाइप किया, डेल मैन्युफैक्चर हो गया और उसके बाद सिस्टम मॉडल नंबर, तो सिस्टम मॉडल नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे गूगल में ब्लूटूथ ड्राइवर डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा गूगल पे जाके। अभी आप बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे तो किसी एक लिंक पे क्लिक कीजिए, मतलब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम का ब्लूटूथ ड्राइवर गूगल के ज़रिए डाउनलोड करना है। गूगल पे जाकर सर्च कीजिए और डाउनलोड यहाँ पे कर लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, मैंने पहले लिंक पे क्लिक किया, अभी कीवर्ड में मैं जाके यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ब्लूटूथ और फिर से कैटेगरी, तो कैटेगरी यहाँ पे नेटवर्क हो जाएगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे नेटवर्क टाइप करता हूँ। फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉडल नंबर क्या है, तो ये भी वहाँ पे था, आप DXDIAG टाइप करें, आपको अपने सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपको पता चलेगा कि 64 बिट का है या फिर 32 बिट का है, विंडोज 7 है या फिर विंडोज 8 है या फिर विंडोज 7। तो अभी मैंने यहाँ पे सर्च करा, अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने अपने सिस्टम मॉडल को सर्च करके यहाँ पे जो ड्राइवर है उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर पा रहा हूँ। तो अभी देख पा रहे हैं मैंने ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद ये ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। एंड डेफिनेटली मैंने यहाँ पे सर्च करा सिस्टम का मैन्युफैक्चर एंड सिस्टम मॉडल नंबर देके, उसके बाद मैंने गूगल में सर्च करा, तब जाके मैं यहाँ पे नेटवर्क के ड्राइवर ब्लूटूथ के ड्राइवर को इस्तेमाल यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डाउनलोड हो जाने के बाद आपकी अभी आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड्स में चलते हैं और डाउनलोड्स में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके मैं इसको सेटअप को चलाता हूँ जो कि डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे यस करता हूँ, अभी ये जो नेटवर्क का ड्राइवर है ब्लूटूथ का जो कि मैंने डाउनलोड किया है ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रन होना स्टार्ट हो चुका है। एग्री एंड इंस्टॉल ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर, अभी यहाँ पे ये ब्लूटूथ का जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल्ड हो रहा है। डेफिनेटली मेरे सिस्टम में मैंने डिवाइस मैनेजर में जाके चेक किया और पाया कि वहाँ पे जो ब्लूटूथ का ड्राइवर है वो मिसिंग है, तो मैं ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ गूगल के ज़रिए। तो गूगल पे मैंने ड्राइवर को सर्च करा सिस्टम मॉडल नंबर देके, उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है ब्लूटूथ का जो सॉफ्टवेयर है। सो आप भी ऐसा ही करें, अगर आपके डिवाइस मैनेजर में ब्लूटूथ
शो नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ का जो आइकॉन है ये टास्क बार में आपका शो कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ और फिर से डिवाइस मैनेजर में चला आता हूँ। और अभी आप डिवाइस मैनेजर में जाकर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे ब्लूटूथ का जो ड्राइवर है वो शो कर रहा है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लूटूथ का जो ड्राइवर है वो यहाँ पे शो कर रहा है और बाकी जो मेरे डिवाइसेस थे ऑलरेडी जो कनेक्ट थे वो सभी कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने ड्राइवर को डाउनलोड किया। अभी विंडोज़ प्लस आई मैंने प्रेस किया और यहाँ पे सेटिंग्स एक्सेस कर रहा हूँ। अभी मैं डिवाइस में जाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लूटूथ में कि मैं ऑन एंड ऑफ यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। मैं इसको ऑन एंड ऑफ ब्लूटूथ को कर पा रहा हूँ। और जब मैं ऐड डिवाइस में क्लिक कर रहा हूँ तो जो भी मेरे डिवाइसेस हैं मैं यहाँ पे उसको भी ऐड कर पा रहा हूँ। देखिए ऐड डिवाइसेस में तो जो भी आपके डिवाइसेस होंगे चाहे हेडफोन हो या फिर माउस हो कीबोर्ड हो सब डिवाइसेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो यहाँ पे आइकॉन भी आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ का आइकॉन। और अगर ये शो ना करे तो आप यहाँ पे ट्रे में अगर शो ना करे तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए आप नोटिफिकेशन एरिया में इसको पा सकते हैं अगर आपके नोटिफिकेशन एरिया में शो नहीं कर रहा है। और बाकी के डिवाइसेस अगर काम ना करे तो आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो सभी के सभी जो भी ड्राइवर्स है आपके पास जो भी डिवाइसेस है उसको चेक कर लें। और यहाँ पे जब भी आप सर्च करें गूगल पे अपने ड्राइवर को ब्लूटूथ ड्राइवर को तो आप एक लिंक पे अगर आपका बात ना बने अगर एक लिंक पे जाके आपको अगर ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे दूसरा लिंक भी ट्राई करें। तो दूसरा लिंक भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ कि जो मेरा सिस्टम का मैन्युफैक्चर है इसके ज़रिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप कि मैं यहाँ पे ड्राइवर को डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जो कि मेरा मॉडल नंबर है और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा विंडोज़ 1064 बिट। अभी यहाँ पे आपके विंडोज़ 1064 बिट मॉडल रिलेटेड आपको जो भी ड्राइवर्स चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ग्राफिक्स ड्राइवर, नेटवर्क एंड वायरलेस ड्राइवर, वाईफाई अगर आपका नहीं चल रहा है तो हर तरह के ड्राइवर्स आपको इस तरीके से सर्च करने से सिस्टम मैन्युफैक्चर एंड मॉडल नंबर के ज़रिए सर्च करने से आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ का ड्राइवर है तो फाइल साइज़ ज़रूर एक बार चेक करें। तो फाइल साइज़ ज़्यादा होना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका फाइल साइज़ 34.19K है। तो यहाँ पे इसका 26652 MB है। तो ये आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसके डाउनलोड हो जाने के बाद आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे ब्लूटूथ को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो हो फ्रेंड्स आपको वीडियो आया होगा पसंद, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे फ्रेंड्स।